देखिए दोस्तों, बहुत ही तेज आंधी तूफान चल रहा है। डर भी बहुत लग रहा है प्लांट्स के लिए अपने। देखिए बारिश तो गंदी नहीं हो रही है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मीना किचन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये रात को बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश हुई है हमारे यहाँ, और दिखाती हूँ मैं क्या क्या नुकसान हुआ है। ये देखिए जो भी जुगाड़ मैंने किया था ये सब फट गया, सब टूट गया है, टूट गया गया है, ये सारा फट ही गया है। जो भी ये कपड़ा था मेरा, ये देखिए पूरी तरह से। प्लांट्स को हमारे कोई नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों, सारे प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। देखिए कोचिया थोड़ा सा झुक गया है, इसको मैं ठीक कर दूंगी। बाकी हमारे कोई गमले वगैरह कुछ नहीं गिरा। ये भी विंग का भी थोड़ा सा झुक गया है। आंधी तूफान तो बहुत ही तेज़ था, बहुत डर लग रहा था प्लांट्स के लिए। और ये देखिए पेड़ों के लिए तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है दोस्तों, बहुत परेशान थे। लेकिन ये सब कुछ जब होता है तो दुख लगता है। देखिए इसको मैं अभी थोड़ा हटा ही दूँगी क्योंकि कपड़ा तो पूरा फट ही गया है। और दिखाती हूँ, ये देखिए प्लांट को तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन ये इस तरह से हो गया है। इस लकड़ी को निकाल दूंगी। और वो वाला बैंगन का पेड़ भी गिरा तो नहीं है पूरी तरह से लेकिन लकड़ी की वजह से झुक गया है। देखिए इस लकड़ी को मैं अभी निकाल दूंगी। बाकी सारे प्लांट हमारे बहुत अच्छे हैं। देखिए सारे नहाए धोए धुले धुले से लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। मॉर्निंग में भी सवेरे बहुत बारिश हुई है, सवेरे 5 बजे के आसपास भी बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज आंधी चल रही थी। बारिश का पानी पड़ते ही प्लांट्स ऐसे हो गए जैसे ग्रोथ पकड़ रहे हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए दोस्तों शिमला मिर्च एक ही पेड़ बचा पाई थी, इसमें भिंडी के भी डाल दिए थे मैंने, 56 कद्दू भी डाल दिया था, बीज पड़ा हुआ था इसलिए मैंने डाल ही दिया था। क्या करूँगी, रखे रखे बीज का, रखे हुए ख़राब भी हो जाते हैं। हिबिस्कस ये भी अच्छा चल रहा है, बारिश का पानी पड़ने से तो प्लांट अच्छे हो ही जाते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें भी काफ़ी सारे सीड डाल दिए थे मैंने, घिया वगैरह के, गोल घिया, लंबी घिया, और भी कई करेला वगैरह के भी डाले हुए हैं। करेला तो अभी नहीं निकला है लेकिन घिया के निकल गए हैं, लंबी वाली घिया और गोल वाले घिया के। ये देखिए अभी छोटे ही हैं, इसी में ये मैक्सिकम पेटूनिया भी हो रखा है। इसको पूरे कोई मैं अभी हटा देती हूँ दोस्तों क्योंकि कपड़ा पूरा फट चुका है, बांधने लायक नहीं है, फिर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों जो भी फटा हुआ कपड़ा था हमारा वो सारा मैंने निकाल दिया है। हवाएं तो अभी भी बहुत तेज तेज चल रही है। ये जो मच्छरदानी थी इसको मैंने अभी नहीं हटाया, इसको मैंने ऐसे ही छाया कर दी है क्योंकि ये कद्दू की बेल वगैरह है ये सूख जाती है तेज़ धूप पड़ने से। हल्की हल्की धूप बीच में लग रही है। देखिए बारिश का पानी पड़ने से प्लांट्स अच्छे ग्रोथ ले रहे हैं। देखिए ये भी तेज़ हवा से ही टूट गया है। देखिए जो ये हरसिंगार का मैं लेके आई थी दोस्तों, मैंने दिखाया भी था अभी पिछली वीडियो में कि मुझे सूखा सूखा लग रहा था लेकिन अब इसमें लग रहा है, यहाँ से ये फुटाव सा लग रहा है मुझे,
नज़र आ रहा होगा, तो न्यू लीफ आएंगी इसमें, अच्छा है चल जाए तो। इसमें अरबी लगाई थी, देखिए अभी अरबी हुई नहीं है इसमें पत्ते। ये सब ब्रिंजल हैं, प्लांट हमारे बिल्कुल सही हैं दोस्तों, थोड़े थोड़े से झुक गए थे और इनको मैंने ठीक कर दिया है। देखिए ये भी मिर्ची का पेड़ है, इसमें भी न्यू लीफ आ रही है। ये कड़ी पत्ता, ये तेज़ धूप की वजह से जल गए थे, अब इसमें भी न्यू लीफ आ रही है दोस्तों। देखिए ये मिर्ची के पेड़ हैं दोस्तों, इनमें सब में फ्लावरिंग हो रही है, बारिश का पानी पड़ने से ग्रोथ तो अच्छी ले ली है। देखते हैं मिर्ची आती है कि नहीं। देखिए दोस्तों सारे प्लांट हमारे बहुत अच्छे हैं। देखिए ये सब चौलाई है, साग है, ये भी चौलाई है, ये सब ब्रिंजल, इनका ये वाइट वाला 9 o'clock, इसमें फूल आ गया दोस्तों। पुदीने की हार्वेस्टिंग करी थी अभी 2-3 दिन पहले मैंने, फिर से फुटाव हो रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है इसमें पुदीना ये दोस्तों। देखिए पानी पड़ने से बारिश का काफ़ी अच्छे हो गए हैं। ये देखिए ये हमारी अजवाइन का टूट गया, ये तेज़ हवा से ही टूट गया, ये इसकी थोड़ी सी पत्तियाँ निकाल के मैं इसी में गाड़ दूँगी, फिर हो जाएगा चटनी वगैरह में यूज़ करती हूँ मैं इसको। कैक्टस न्यू लीफ आ रही है, देखिए दोस्तों ये सब पर्स लेने, ये भी बुलेट वाली मिर्ची है छोटी वाली, रियो का कोचिया, कोचिया झुक गया था इसको मैंने ठीक कर दिया, जो प्लांट हमारे झुक गए थे हवा से उसको मैंने सबको ठीक कर दिया दोस्तों। ये अपडेट आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय।